और बौद्ध धर्म जो है कि विज्ञान पर आधारित है, बौद्ध धर्म विज्ञान का आधारित, विज्ञान पर आधारित है। बुद्ध, बुद्ध ने कहा था कि इसी बात को इसलिए मत मानो कि बुद्ध ने कहा है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत बड़ा विद्वानों ने कहा है, और किसी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत दिनों से लोग मानते आए हैं। किसी भी बात को आप उसे तर्क के आधार पर विश्लेषण करो और तर्क के आधार पर खरा उतरे, समाज के हित में उतरे, वो उस बात को है। हम लोग का पूजा पाठ करने से क्या फायदा है? कौन देवी देवता हमको फायदा दिया है? उन्हीं का आशीर्वाद से धन जब हम लोग को फायदा अगर देता है तो हम लोग सर मजदूरी भी नहीं करने जाते। हम तो कहते कि हमको कुछ दीजिए ना, देव काली माई है चाहे शंकर भगवान जो भी है, हम मजदूरी नहीं करने जाएंगे। सलाम दीन है तो उसी में उसी को हम सेवा। दुकान है ब्राह्मणों का, मंदिर नहीं, ये धंधा बन गया है, ये धंधा बन गया है मंदिर ना। हमको ये सब छोड़े हुए 8 साल हो गया। भगवान हिंदू धर्म में जितना देवी देवता है, आप एक का जन्मदिन बता दीजिए। हमारे महापुरुषों का जन्मदिन हो मन रहा है, आप एक भी बता दीजिए। हिंदू 33 करोड़ देवी देवता बताया जाता है, एक भी बता दीजिए। तो इसे गलत बात है क्योंकि दुर्गा अच्छा नहीं है। अरे दुर्गा अच्छा नहीं है? कैसे नहीं है? अच्छा है वो, क्या किया है देश के लिए, क्या कुछ किए हैं? अच्छा हमारे पूर्वज है, महिषासुर। अच्छा कैसे पूर्वज में मुक्का देने से हो जाएगा? और मेरे साथ एक महिला हैं जो इस कार्यक्रम में आई थी, शिरकत दी, इन्होंने क्या जाना क्या सुना इन्हीं से जानते हैं। मैडम क्या नाम पड़ेगा? आशा देवी। यहाँ पे इस प्रोग्राम में आप आई, क्या सीखी, क्या सीखने को मिला? यहाँ पर मिला बौद्ध धर्म का, भीम मेडिकल का। राखी रावण जी आई थी, कह के बुक गई हैं कि करवा चौथ और कोई भी पर्व नहीं करना है। नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, पहले ही से नहीं करती हैं। हम करवे नहीं किए, करवा चौथ ही सब है। झूठ बोल रही हैं? नहीं झूठ नहीं बोल रहे हैं हम। तीज वगैरह? तीज करे एक दो बार फिर छोड़ दिए, ऐसे छोड़ दिए। अच्छा कैसे कहे छोड़ दिए तीज वगैरह? छोड़ दिए अपना घर के परिवार के बोल रहे से। अच्छा आपके घर के परिवार में लोग बुद्धिस्ट है का? बाबा साहब को, बुद्ध को मानने वाले, अशोक को मानने वाले? मानने वाला है परिवार मेरा। अच्छा कहाँ से आई हैं आप? हम आए हैं औरंगाबाद जिला से। औरंगाबाद से आई हैं? अकेले आई हैं? नहीं परिवार साथ में। परिवार साथ में? किस प्रकार से आप बुद्धिज्म को देख रही हैं, किस प्रकार से बाबा साहब को देख रही हैं, और कितना दिन हुआ आपको ये सब चीज पाखंड से छोड़े हुए? ये छोड़े हुआ है हमको अप्रैल अति से, फरवरी से। फरवरी से? पूजा पाठ नहीं करती हैं? नहीं छोड़ दिया। बोल रही हैं? झूठ बोल रही हैं? नहीं झूठ बोल रहे हैं हम तो। झूठ काहे के लिए बोलेंगे? महिला जुड़े हैं तो झूठ काहे के बोलेंगे? हम पक्का छोड़ दिए हैं। छोड़ दिए सब। अच्छा अब जब से जुटे हैं इसमें से छोड़ दिए हैं। बच्चा को पढ़ा लिखाती हैं? हाँ दो बच्चा है, दोनों को पढ़ा लिखा रहे हैं। चलिए तो इनका कहना है कि हम लोग साफ छोड़ दिए हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? हीरा कुमार मौर्य। मौर्य जी आप ये बताइए कि बुद्धिज्म को किस प्रकार से देख रहे हैं? महिषासुर का जयंती मनाया जा रहा है जी, जबकि महिषासुर का उधर बहुत वध किया जाता है, देवी दुर्गा जो भी ये दशहरा मेला में, दशहरा मेला होता है। तो ये तो गलत बात है। तो इसे गलत बात है क्योंकि दुर्गा अच्छा नहीं है। अरे दुर्गा अच्छा नहीं है? कैसे नहीं है? अच्छा है वो, क्या किया है देश के लिए, क्या कुछ किए हैं? अच्छा हमारे पूर्वज है, पूर्वज है महिषासुर। अच्छा कैसे पूर्वज में मुक्का देने से हो जाएगा? नहीं, हम पढ़े हैं बाबा साहेब सब किताब पढ़ते हैं अभी हैं। हाँ गुलामगिरी भी है, बहुत सारी किताब है। पुलिस साहब का गुलामगिरी पढ़े हैं जी? थोड़ा बहुत पढ़े हैं, हमारे घर किताब है सब। अच्छा कौन से क्लास में पढ़ाई करते हैं? अभी तो हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं। ग्रेजुएशन कहाँ से हैं? मणिया से। मणिया से यही से बक्सर जिला से जी? बक्सर जिला। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम पड़ेगा अजय कुमार शर्मा। बुद्धिज्म को किस प्रकार से देख रहे हैं, क्या सीखने को मिला? इसमें समानता बंधुता और नैतिकता का भाव मिलता है और अखंड पाखंड से दूर रहने का मौका इसमें बहुत अच्छा है, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ियों का विकास पूर्णतः रूप से हो सके। हिंदू में भी तो होता है विकास, ये थोड़ी बात है। अरे हिंदी में होता है तो हम लोग को मैंने चार वर्ण में बना के बांटा क्यों गया? चार वर्ण में बना के बांटा क्या? आप हिंदू धर्म में भगवान हिंदू धर्म में जितना देवी देवता है, आप एक का जन्मदिन बता दीजिए। हमारे महापुरुषों का जन्मदिन हो मन रहा है, आप एक भी बता दीजिए। हिंदू 33 करोड़ देवी देवता बताया जाता है, एक भी बता दीजिए, बताइएगा आप?
किस दिन जन्म है तो भगवान को नहीं मानिएगा। नहीं मानेगा, कहे क्यों मानेगा, कहे नहीं मानेगा भगवान ने वर्ण व्यवस्था बना के भेजा सर। भगवान वर्ण व्यवस्था बना के भेजे हैं। कौन बना के भेजा है? अब तो यहाँ तो सुनबे किए कि ब्राह्मण मुख से पैदा होता है, छत्री भुजा से पैदा होता है, ये सब आप इसको सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ मुँह से पैदा होता है। अरे उनके धर्म ग्रंथों में लिखा है सर, हम थोड़े कह रहे हैं। धर्म ग्रंथ का बात सुनिएगा। अरे वही कैसे चलता है, तो कैसे देश चलता है? संविधान से देश चलता है, आप धर्म ग्रंथ से देश चलता है। मनुष्य मृत्यु को नहीं मानते हैं। आप यहाँ से आप अपने चल के कहीं अगर नहीं जाइएगा तो आप आह्वान कीजिए ना कोई देव देवता का, अगर एक डेग अगर आगे आपको बढ़ा दे तो कभी नहीं। आप यहाँ से एक डेग नहीं बढ़ाइएगा, अगर पूरे आह्वान कर लीजिए कि हमारे को वहाँ पहुँचा दीजिए, पहुंचा देगा। वो जहाँ भी देखिए रेल जहाज का आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से सब चीज चल रहा है, देश चल रहा है, ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, गाड़ी चल रही है, यहाँ तक उनके बगैर ये पत्ता भी नहीं हिलता है। अरे पत्ता तो रोज हिलता है, रोज हिलता। अभी देखे रेल दुर्घटना हो गया, किसका उसमें कमी था? भगवान के कमी के चलते पत्ता नहीं हिला। कितना लोग मर गया, चार गो मीडिया दिखाया कि चार गो लोग मरा है। आप क्यों नहीं विंध्याचल में चाहे मैहर में जाके ये लगाते? आप उन्हीं का महिमा है, उन्हीं से पैसा ज्यादा आपको मिलता, मंदिर में लगाते वहाँ पर। आपको भी तो वहाँ जाना चाहिए ना, अभी तो हिंदू धर्म में है ना, अब नहीं है? आप बड़े बड़े मंदिर है, बड़े बड़े तो आप क्यों यहाँ पर पूजा पाठ करने क्यों जाते हैं वहाँ? आप क्यों यहाँ पर आए? हमारा तो काम है हर चीज को दिखाना, हम दिखाने के लिए आए। चलिए सब लोग को लेके चलिएगा मंदिर में, है दुकान है ब्राह्मणों का, मंदिर नहीं, ये धंधा बन गया है, ये धंधा बन गया है मंदिर ना। हमको ये सब छोड़े हुए 8 साल हो गया। ब्राह्मण का एटीएम है, बिल्कुल बिल्कुल। मंदिर जो है ये ब्राह्मण जाति लोग का एटीएम है। अगर जिस दिन मंदिर का दरवाजा बंद हो जाएगा ना, उस दिन पंडित लोग अपना कटोरा लेकर घूमने लगेगा। आप काम करते हैं तब मजदूरी लेते हैं ना, वो लोग भी तो काम के मजदूरी ले रहे हैं। वही ना बात है, वही बात है कि हम लोग देते हैं उनको मजदूरी, वो अपना बैठे बैठे आराम से हम लोग को भूख बना कर सब ले रहा है। नहीं तो जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन घूमने लगेगा। वो ऐसा नहीं कि हम लोग जैसे मजदूरी कर पाएगा, वो भी मजदूरी भी नहीं कर पाएगा। अच्छा। हम लोग तो करके कभी कहीं कहीं खा लेंगे, लेकिन वो लोग को गुजारा नहीं होगा, ठीक ना? अच्छा तो पूजा पाठ नहीं कीजिएगा? पूजा पाठ हम जब देखिए पूजा पाठ पहले हम करते थे, ऐसे बात नहीं। शांति मिलता है सर, शांति मिलता है आत्मा के। सुनिए, जब हमको मतलब ये समझ में बात नहीं आ रहा था उस टाइम हम भी कर रहे थे, लेकिन जब से हम मतलब ये बात को हम सुना और पढ़ा लिखा, मतलब किताब जैसे मिला तो पढ़ा, तो हमने ज्ञान हो कि नहीं ये बात है सही है कि मतलब ऐसे ऐसे मतलब हम लोग जितना हम लोग सब कार्या के इसमें हम लोग डूब रहे हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं तो हम लोग कार्या के सब इसमें डूब रहे हैं। हाँ। है उससे कुछ फायदा भी नहीं हो रहा है हम लोग का। पूजा पाठ करने से क्या फायदा है? कौन देवी देवता हमको फायदा दिया है? जब हम लोग को फायदा अगर देता है तो हम लोग सर मजदूरी भी नहीं करने जाते। हम तो कहते कि हमको कुछ दीजिए ना, देव काली माई है चाहे शंकर भगवान जो भी है, हम मजदूरी नहीं करने जाएंगे। सलाम दिन है तो उसी को हम सेवा करेंगे। बस हमको खाली हमारे परिवार को पूरा है। तो आपका 4 तला 5 तला बिल्डिंग 4-5 जगह है, अभी तो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं ना, अभी करते हैं ना। हम लोग के जैसा इंसान है, जो भी काम है मिला हुआ है उससे। मेरा नाम केसर बौद्ध है। बोलिए। मैं नारद मुनि लोहार जो पुस्तक विक्रेता है, मैं इनका मित्र हूँ। बोलिए। गुरुआ थाना जिला गया है, वहीं से हम लोग आए हैं। और ये तीसरी बार मैं आया हूँ विमल कीर्ति जी के प्रोग्राम में। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था भारत का प्रथम विद्वान, ये कहिए कि दुनिया का प्रथम विद्वान, उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में मैं जन्म लिया हूँ, मेरी बस की बात नहीं थी, मगर हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं, मेरी बस की बात है। क्योंकि वो जो है कि सभी धर्मों का जितने भी ग्रंथ था सबको चिकित्सा की थे उन्होंने, सबको निरीक्षण किया था, लेकिन कोई भी तर्क के आधार पर खड़ा नहीं उतरा। केवल बौद्ध धर्म ही तर्क के आधार पर खड़ा उतरा, बाबा साहब ने निरीक्षण किया। और बौद्ध धर्म जो है कि विज्ञान पर आधारित है, बौद्ध धर्म विज्ञान का आधारित, विज्ञान पर आधारित है। बुद्ध ने कहा था किसी बात को इसलिए मत मानो कि बुद्ध ने कहा है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत बड़ा विद्वानों ने कहा है, और किसी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत दिनों से लोग मानते आए हैं। किसी भी बात को आप उसे तर्क के आधार पर
विश्लेषण करो और तर्क के आधार पर खरा उतरे, समाज के हित में उतरे, उस बात को मानो। आप कह रहे तो बाबा साहब ने इसीलिए कहा कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया हूँ, हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और सन 1956 को 14 अक्टूबर के दिन बाबा साहब नागपुर में धम्म दीक्षा अपनाया था, समझ गए। तो ये जो है ये हिंदू धर्म, यहाँ हिंदू नाम की कोई चीज नहीं है, इस देश में हिंदू नाम की कोई चीज नहीं है। ब्राह्मण से आप पूछेगा तो भी नहीं हिंदू कहेगा, वो कहेगा मैं ब्राह्मण हूँ, और हिंदू कोई यहाँ है ही नहीं। हिंदू नहीं बताता, वो तो कहता है हिंदुओं के नहीं, लिए नहीं नहीं, पूरा सारा नहीं, जो है वो हिंदू है इस देश में, मुसलमान भी हिंदू है, हिंदू सारे लोग हिंदू है। हिंदू जो है ना ये मुगलों को दी हुई गाली है, अगर किसी को गाली देना है तो केवल हिंदू उसको कह दीजिए, अपने आप दो चार गाली पड़ जाएगी। सही बात है, हिंदू का मतलब होता है लुच्चा लफंगा, उसको हिंदू बोलना शुरू कर दिए। ये हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है, आप नहीं लिखते नहीं है हिंदू धर्म। एक सभ्यता दिया गया है जो कि मुगलों के द्वारा दिया गया है, या विदेशी आक्रमणकारी जो आए थे उन्होंने बताया था, जो सिंधु घाटी में रहते थे तो वो स के उच्चारण द के हिसाब से करते थे, तो सिंधु कहने की वजह से वो हिंदू कहना शुरू कर दिया, तब से वो नाम हिंदू पड़ गया। और जितने लोग यहाँ रह रहे थे उनको सब बोल दिया हिंदू है हिंदू है, और जो बाहरी लोग ब्राह्मण जाति लोग हैं जो बाहर से आए हैं, ये ईरान के मध्य आसपास से आए हुए हैं, ये यही अपने आप को साबित, ज्यादा संख्या साबित करने के लिए अपने आप को हिंदू बताते हैं। जो चीज हिंदू कहा जा रहा है, जो धर्म को सही मायने में वो ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण धर्म। हाँ, क्योंकि सारा व्यवस्था, सारा इसमें जो जितने दान पुण्य होते हैं और जहाँ जहाँ धर्म स्थल है, मंदिर से लेकर के तीर्थ स्थल तक, सब पर ब्राह्मण का वर्चस्व हुआ है इंडिया में। इसको हटाना इतना आसान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज बनेगा वो ब्राह्मण बनेगा, सीबीआई के हेड बनेगा ब्राह्मण बनेगा, आप कैसे बन जाइएगा? और पढ़ने के बाद भी वो इंटरव्यू लेता है, इंटरव्यू वो छाट देता है, क्लोजियम सिस्टम है जज के सिस्टम में, वो क्लोजियम सिस्टम में अपने आप को, अपने जाति को, अपने दादा को, अपने पोता को, भाई को, भतीजा को सब भरता है, लेकिन वो उसमें परीक्षा नहीं होता, जज का परीक्षा नहीं होता उसमें, क्लोजियम सिस्टम है। और जो सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई वगैरह है उसमें सब ब्राह्मण भरे हुए हैं, हर जगह ब्राह्मण भरे हुए हैं, जो भी जहीं कहीं भी हेड है उसका ब्राह्मण भरे हुए हैं, फॉरवर्ड कास्ट भरे हुए हैं, बैकवर्ड कुछ कर ही नहीं पाता है। चलिए, तो लोगों में नाराजगी है इस बात को लेकर, लोगों में गुस्सा है और लोग जो है वो जागरूक हो रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि जो हिंदू धर्म है, ये जो पाखंडवाद है, लोगों में जो है वो सिर्फ और सिर्फ नफरत का बीज बो सकता है, और ये जो धर्म है सिर्फ और सिर्फ लोगों को उलझा कर रख सकता है। अगर आपको इस पाखंडवाद से बाहर निकलना है तो आपको डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना पड़ेगा, बुद्ध को पढ़ना पड़ेगा, ज्योतिबा फुले को पढ़ना पड़ेगा, सावित्री बाई फुले को, रामस्वरूप वर्मा, प्रिया लल सिंह यादव से लेकर तमाम ऐसे महापुरुष का पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके कहीं आप प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं, प्रगति के मार्ग पर आप आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं लोगों का ओपिनियन लिया, ये ओपिनियन आपको कैसा लगा आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में भेजिए, और बाकी आप क्या सोचते हैं आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।